और कितने हैं इसमें? इसमें भाई पता नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही होते हैं इसमें। अच्छा ओ पूरा हिल रहा है यार। तो यार बहुत वेलकम तुम्हारा इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड में। तुम देख लो आज अपने सामने जो गाड़ी है भाई, अच्छे से देखो ना, वन पे दिखाएंगे तुम्हें। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 2022। मेरे सामने यहाँ पे मुकुल भाई है। मुकुल भाई पहले तो हाथ मिलाओ। और मुकुल मुझे ये बताओ, देखो मैं जानता हूँ चीजें ना वही करने में मजा आता है जो बहुत बोलते ना अनकॉमन हो, जो सड़क पे दिखती ना हो, वो सामान लेने में ज्यादा मजा आता है। स्कॉर्पियो हर किसी के पास है भाई, है ना, स्कॉर्पियो सबने ले रखी है लगभग। अब मैं देखता हूँ भाई गुजर जाट से लेकर बिहार तक जितने अपने नेता वगैरह स्कॉर्पियो चलती है। पर आपने यार स्कॉर्पियो क्लासिक ले ली विद न्यू बैजिंग भाई, ये जितना मुझे आइडिया है स्कॉर्पियो इनके बाद लॉन्च हुई थी। हाँ, स्कॉर्पियो इनके बाद है ना। कब लॉन्च हुई आपको डेट पता है? नहीं ऐसे कोई डेट तो नहीं पता, पर महीने भर बाद हो गई थी ये लॉन्च। अच्छा तो ये कब बुक करी थी आपने? मैंने बुक नहीं करी थी भाई, एक जिस दिन लेने गए थे ना उसके अगले दिन ही मिल गई थी हमें। कौन सा महीना था वो? अगस्त 26 अगस्त को गए थे, 27 को गाड़ी आ गई। देखो जितने लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ भाई, अगर तुम अगस्त के महीने में जाओगे ना, वो क्योंकि स्टार्टिंग वाला महीना था, अगर तुम उसमें बुक करने जाओगे तो 4 से 5 महीने की वेटिंग मिलती ही मिलती। इसलिए सड़क पे दिखेगी नहीं है स्कॉर्पियो क्लासिक, है ना। बहुत कम है, मतलब है लोगों पे जो भाई जैसे हैं फुल गलत, लेकिन बहुत कम लोगों पे। तो भाई ऐसा कैसे हुआ कि आपने इतनी जल्दी ले ली है, इसीलिए इतना मतलब खास हो गया इसका मैटर, क्या सीन था? वो कुछ जैक लगवाया, जैक लगवाया उसकी वजह से मिली है, वरना वेटिंग थी 4-5 महीने। वही तो यार, इतनी वेटिंग थी। पर भाई ये बताओ, पर्सनली बोल रहा हूँ दिल से, मजा नहीं आता है गाड़ी को लेके भाई? अलग ही है, मतलब थोड़ा सा जैसे सड़क पे ले घूमते हो, बाकी आपको स्कॉर्पियो दिखती होगी। हाँ वही तो, जाती है सब देखते हैं। एक तो यार भाई पर्सनली ना मैं आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ, एक प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ। वो प्रॉब्लम ये है, मेरे सामने यहाँ पे मेरी XUV 300 खड़ी है भाई, ठीक है, विद बैजिंग महिंद्रा की, पुराना वाला लोगो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अचानक से बीच में अपना नया वाला लोगो ले आए भाई। ये आपको लगता नहीं हम जैसे लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, धोखा? मैं तो सोचो केसेस मार दूं महिंद्रा पे भाई। अच्छा तो वो वाला लोगो है, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा तो वो वाला लोगो है। एक इधर आओ जरा, इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या है इस लोगो में अच्छा? नहीं नहीं भाई, ये वाला ज्यादा अच्छा। देखो भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी अपनी चॉइसेस, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता ये, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ भाई। जब मैंने पहली बार स्कॉर्पियो एन देखी ना, मैं इसके लोगों पे फिदा हो गया। मैं यार ये होता है लोगों, फिर तो भाई वो वाली बात है, सबकी अपनी पसंद है। हाँ, पर आपको ये मुझे लगता है वो वाली बात है कि यार आपके पास आ गया ना अब तो लग रहा है कि नहीं है पुराने वाले बात थी, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं, देखो स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 वैसी इतनी नई गाड़ी, ठीक है, ऊपर से भाई अपने थोड़े से शैतानी दिमाग वाले हैं। भाई को उसके पता नहीं क्या टायर अलॉय एकदम पसंद नहीं है, भाई ने वो भी चेंज करा दिया। भाई पहले तो मुझे बताओ, कंपनी इतना R&D करके गाड़ी तैयार करती है, जो परफेक्ट अलॉय उसमें जचेंगे वो ही डालेंगे हम कस्टमर्स के लिए, आपको क्या पसंद नहीं आया उसमें कि आपने चेंज करा दिया तुरंत? भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में तो बाहर से अलॉय मस्ट है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई हार्डकोर स्कॉर्पियो फैन बोल रहा है। आप स्कॉर्पियो के बहुत फैन भी हो? अच्छा, ड्रीम कार वाला सिस्टम लगा लो। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसे। क्या बात है, इससे पहले आप स्कॉर्पियो करते थे? नहीं नहीं, पहली स्कॉर्पियो आपकी? पहले बलिनो थी मेरे पास। अच्छा, वो मेरे पापा चला रहे हैं, मैं ये चला रहा हूं। और पहली स्कॉर्पियो सीधा आपने क्लासिक ले ली? क्लासिक भाई लेने पुरानी वाली गए थे, वो बंद हो गई। अच्छा अच्छा, ये सीन था, मिल रही थी, वो सिल्वर कलर मिल रहा था। ओके, और सिल्वर कलर की मिली आपने फिर? सिल्वर भाई, सिल्वर अच्छा ही नहीं है। बोल रहे स्कॉर्पियो लूंगा वो भी सिल्वर, छी यार, काली स्कॉर्पियो काली तब आएगा मजा। अच्छा अगर हम बात करें भाई, आपने यही मैं देख रहा हूँ 2X से X2 का, वो X2 के आपने अलॉयज लगवा रखे हो भाई, काफी बड़े अलॉय हैं। कितने इंच है भाई? 22 इंच है। 22 इंच अलॉय? तो भाई आपने कुछ सोचा होगा कि यार मैं इतने इंच अलॉय लगाऊंगा, या फिर पसंद आया 22 तो वही भाई गए थे लगवाने, पहले 20 लगवाया, फिर 20 में वो कह रहे क्रेटा ब्रीजा में डल रहे हैं आजकल 20, तो अच्छा ऐसे बोल रहे, फिर मतलब 22 इसलिए डलवाया मैंने, कम से कम 22 तो होने चाहिए, आजकल तो 26 लग रहे हैं। हाँ आजकल 26 लग तो रहे हैं भाई, अपने गगन भाई है गुड़गांव के। हाँ आप तो जानते भी होंगे यार। तो मतलब भाई, तो आपने 26 का सोचा नहीं? वैसे 22 भी बहुत बड़े होते हैं, नो डाउट। नो बजट हाँ, वो भी अपना चॉइस है। वैसे भाई जरा बात करते हैं, क्या आगे मतलब एक्सटीरियर में क्या कंपनी से मिल रहे हैं और क्या आपने डलवाया मॉडिफाई कराया, वो आप जरा बता दो। फ्रंट से तो एक ये नंबर प्लेट फ्रेम है जो मैंने डलवाया है ये। अच्छा हाँ, ये स्टील फ्रेम है ये। ओके हाँ, एक ये हाँ, और इस इन में LED है, दो दो पेयर, एक एक पेयर मतलब। अच्छा, एक पेयर दो पेयर और तीसरा पेयर फॉग में। ओके, LEDs लगा रखे हैं। DRL तो कंपनी से आता ही है।
अच्छा तो मतलब ये क्या हैलोजन दे रहे थे क्या? ये हैलोजन दे रहे थे, मैंने एलईडी बल्ब लगवाए। तो भाई ये चीज आपको बुरी नहीं लगती कि यार? भाई बताओ टॉप मॉडल है उसमें भी नहीं दे रहे हैं। ओके तो टॉप मॉडल है ये? हां बिल्कुल टॉप है। और उसमें भी हैलोजन नहीं मिल रहा? उसमें हैलोजन मिल रहा है, एलईडी नहीं मिल रही। हां मतलब उसमें भी हैलोजन नहीं मिल रहा है ना, ये बहुत गलत बात है यार सच में। ठीक है एक बार ना आप जला के दिखा दो, क्योंकि भाई ये जो लाइट है ना मैं ये देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है पुलिस वाली लाइट्स है फ्लैशर्स, और ये आपने इसको यहाँ लगा दिया है। ये तो यहीं लगते हैं और लगेंगे नहीं कहा भाई ये। अच्छा मुझे लगा यहाँ पे नीचे भी लग सकते हैं। हाँ वो आते हैं ना वो छोटे छोटे वाले आते हैं। हाँ हाँ ये दो बड़े ही हैं सीधा, ये इसमें ही लगते हैं। पर यहाँ पे लुक बड़ा प्यारा आएगा भाई, वो जलाओ जरा आप ये फ्लैशर्स। हाँ फ्लैशर लाइट्स जरा एलईडी की भी थ्रो देख लेते हैं। जब अपन लोकेशन पे आ रहे थे तब मैंने देखा था यार थ्रो तो काफी सही था पूरी लाइट सिस्टम का, और थोड़ा माफी चाहूंगा रात में वीडियो, पर रात में वीडियो का अपना अलग मजा। देख रहे हो लाइट चालू हो गई, ये देखो भाई कुछ इस तरीके से लुक आता है। देख रहे हो भाई थोड़ा सा इधर आओ। हाँ ये देख लो कुछ इस तरीके से लुक आता है। थ्रो देखो भाई कितना ज्यादा है भाई, ये मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एलईडीज नहीं है ये? और भाई मैंने महिंद्रा से ही डलवाए हैं। अच्छा तो भाई बात करते हैं, आपको ये 22 इंच वाले कितने के पड़े? भाई 140। 140 के? और भाई बहुत महंगे है यार। महंगे है भाई। और टायर के संग? टायर के साथ। तो लुक दिखाता हूँ मैं स्कॉर्पियो क्लासिक का यार, देखो भाई दोबारा से माफी चाहता हूँ, थोड़ा रात में अपन शूट कर रहे हैं पर मजे लो यार। स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 नहीं दिख रही कहीं भी, तो जहां भी देखे देख लो लोगो देखो भाई सबसे बेहतरीन स्कॉर्पियो क्लासिक S11। इसमें कितने टाइप आ रहे हैं? इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक S एक S11। अच्छा बस S और S11 बीच के सारे खत्म कर दिए। तो इसमें बस टॉप और बेस है? हाँ टॉप या बेस, कोई बीच का नहीं है मतलब? अच्छा आओ जरा एक बार चेक करते हैं। नई गाड़ी में ना एक खुशबू होती है भाई, मैं तो भाई यही बोलता हूँ नई गाड़ी की एक महक होती है भाई, और वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ लिटरली यार। ऊपर से मैं देख रहा हूँ भाई आपने JBL का ये सबवूफर छोटा सा लगा रखा है। नाम के लिए जैसे बेस नाम के लिए सुनने के लिए कोई ज्यादा म्यूजिक सिस्टम का? हाँ मैं देख, आप मुझे लग रहा है मेरे टाइप के इंसान भाई, मुझे भी ज्यादा सिस्टम पसंद नहीं है, बस नाम के लिए सुनने को कुछ। हाँ अंदर से बैठते हो और सबसे ज्यादा मजा तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक को ना चलाने में आएगा, ठीक है? ड्राइविंग इंप्रेशन इसका बहुत मजेदार होने वाला है मेरे लिए, तुम लोग के लिए, तुम लोग तो रिव्यू देंगे ना, अपन चलाएंगे पर फुल मजा। तो ऊंची तो उतनी ही है ये? वही है भाई गाड़ी तो पूरी वही से। आप मुझे बता रहे थे भाई कि यार गाड़ी में कुछ ऐसा चेंज नहीं किया है, मतलब पूरी जैसे पुराने स्कॉर्पियो लगभग वही है ये? हाँ वही है। क्या सीन है इसमें, क्या क्या ऐसा आ रहा है अलग? लोगो हाँ, लोगो के अलावा बताओ। एक ये वुडन का ये, अच्छा ये वुडन फिनिश है? हाँ ओके। और ये भाई गियर भी बदला है? अच्छा हाँ ये गियर भी बदला गया है। मतलब स्कॉर्पियो में मैंने सुना है कुछ अलग टाइप का गियर सिस्टम आता है, पहले वो बड़ा सा आता था ना और वो हिलता भी रहता था। हाँ अभी हिलता नहीं है भाई, बिल्कुल नॉइज भी नहीं है गाड़ी में बिल्कुल। अच्छा नॉइज भी नहीं है? नहीं। चेक कर लेते हैं। ओहो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ गाड़ी ऑन होते ही ना यहाँ पे महिंद्रा का, ओए वो मेरी स्पीच खराब हो गई भाई ये क्यों नहीं आ रहा इसमें महिंद्रा का लोगो तो बनाता है। दोबारा टेक टू। अब दोबारा भाई ने जैसे इसको चाबी घुमाई, इग्निशन दिया, ये देखो भाई कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का पूरा ही इंफोटेनमेंट सिस्टम, ठीक है? और भाई ये स्क्रीन भी कंपनी से ही आई है, और काफी बड़ी स्क्रीन है यार ये, पर ये बेकार है भाई। बेकार है? हाँ ना इसमें यूट्यूब चलता काहे की एंड्रॉइड है ये? अच्छा नहीं चलता क्या इसमें? कुछ भी नहीं चलता इसमें। अच्छा तो बस ब्लूटूथ बस, और कुछ भी नहीं? और कुछ भी नहीं? नहीं मैप वगैरह तो होगा इनबिल्ट जो महिंद्रा देते हैं? नहीं है वो भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, देखो मुझे भाई मेरी महिंद्रा एक्स यू 300 पता क्यों बड़ी लगती है? क्योंकि उसमें सैटेलाइट मैप है आप जानते हो वो चीज। हाँ हाँ वो बड़ी लगती है। इसमें नहीं है वो? इसमें है पर वो उसे कनेक्ट वनेक्ट करो बहुत झंझटबाजी है। एक मिनट जरा चेक करते हैं भाई के लिए यार। अब इसके लिए फोन पहले कनेक्ट करो। अच्छा ये इतना चेंज कर दिया यार, ये पहले वाला सिस्टम फायदा ही नहीं, मैं दूसरी लगवाऊंगा भाई इसमें। हाँ आजकल चल तो रही है हाइपरसोनिक की, हाइपर हाँ समझ रहा हूँ, काफी ऐसे आ गए हैं भाई। तो ये जो डैशबोर्ड है ये भी एकदम पहले सा रखा हुआ है भाई? पहले जैसे ही यार। तो मतलब आपने स्कॉर्पियो क्लासिक मतलब इसलिए लिया कि बस नई वाली फील आए है ना, बाकी मामला वही है लगभग पुराना ऐसा? एक बार जरा गिनती बता दो कि क्या इन्होंने चेंज किया है ऐसा, जैसे आप लोगों के अलावा, लोगों के अलावा जैसे ये थोड़ा बहुत वुडन फिनिश है, स्क्रीन ये वुडन, ओके गियर नॉब चेंज किया है, बम्पर हाँ पूरा चेंज किया है, ग्रिल हाँ बस इंटीरियर से वो इंजन में कह रहे थे कि कुछ पावर कम करी है। पावर कम करी है? हाँ क्यों पता नहीं किस लिए, और नॉइज भी कम हो गया गाड़ी का। नॉइज तो चलो अपने लिए हुआ है कि नॉइज कम है बढ़िया है, पर मुझे चलाने में भाई फर्क नहीं लगा, मैंने पुरानी वाली भी चला रखी है। अच्छा आपको मजा ही आता है? हाँ। चलो वो तो हम चला के भाई बता देंगे। हाँ। पर फीचर्स कुछ नहीं, कुछ फीचर्स नहीं। वैसे ही जो पहले हाँ, जितने थे स्कॉर्पियो में, सेम स्कॉर्पियो में उन्होंने भर दिए। हाँ नई वाली में एन में वो तो बिल्कुल ही हाई टेक। अच्छा तो ये क्वेश्चन तो पूछना बनता है ना भाई, आपने एन क्यों नहीं ली फिर यार?
बताया पर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना वो वैगनार ही लगेगा देखने में, लुक पूरा ऐसा वैगनार खींच दो ना स्कॉर्पियन बन जाती है। बिल्कुल भाई। चलो भाई मैं गाड़ी चला के देखता हूँ। और सबसे मेरा अच्छा गुजरो भाई आप। हाँ भाई गुजरो की गाड़ी है भाई, अगर ये थोड़ा साइलेंट वाला मामला आना हो तब तक भाई एक होता है ना गाड़ी इनकम्प्लीट रहती है। हाँ, तो ये देख लो भाई ने यहाँ पे ये देखो जैसे ऑन हो गया है और अब और कितने हैं इसमें? इसमें भाई पता नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही होते हैं इसमें। अच्छा ये देखो, ये देख रहे हो फुल स्कॉर्पियो। एक मिनट भाई चलाते रहो। ये देखो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 भाई ने साइरन लगा दिया है यार, मतलब फुल गलत चल रहा है यहाँ पे। साइरन भी पुलिस लाइट भी है एकदम फुल देख रहे हो। तो एक बार जरा मैं इसको देखता हूँ बहुत टाइम बाद इस चीज को। ये देखो भाई मेरा ना एक डाउट है इसमें। हाँ बताओ। जनरली मैं देखता हूँ जितने अपने थोड़े देसी भाई है इन लोगों को आजकल बाल्टियां पसंद आ रही है। हाँ। है ना एम्प वाली बाल्टी नहीं होती जो ये भाई शौक है। हाँ, ये शौक है। तो ये आप कैसे इसमें जल्दीबाजी में लगवा लिया। ओके। मुझे वो लगवाना था आहुजा वाला, वो है सबसे अच्छा आहुजा वाला बाल्टी। हाँ, वो जो मेन अच्छी बाल्टी आती है। अच्छा ये तो ऐसी है ज्यादा खास भी नहीं है, वो मेन होता भाई बड़ा। हाँ वो इससे भी बड़ी बाल्टी होती है वो इसमें अंदर लग जाती है। उसका इतना बड़ा तो एम्प होता है वो उसके नीचे। हाँ वही तो उसका। हाँ, मैं पहली बार देखो शो हो गया इसका एम्पलीफायर भी आता है। वो ही लगवाना था भाई, वो जल्दी मारे के इसलिए लग गया ये। ओके तो चलो अब जरा ड्राइव ब्रश लेते हैं अपनी स्कॉर्पियो क्लास 2022 का। ठीक है आप ये बताओ भाई जैसे आप मुझे भी बता रहे थे कि यार इसमें सिस्टम का भी आपने काम करवाया है। हाँ भाई पर ज्यादा नहीं अपने हिसाब से सुनने लायक सुनने लायक। ठीक है ये अच्छा वर्ड था। तो क्या क्या करवाया आपने बता दो इसमें भाई? एक पेयर तो इन्फिनिटी रेफरेंस कंपोनेंट लग रहे हैं। कंपोनेंट इधर है। हाँ। ओके और ये ट्विटर्स हो गए इसके साथ आते हैं। अच्छा और पीछे डिग्गी में ओवल लग रहे हैं पायनियर के। ओवल पायनियर के लग रहे हैं। बस दिखाते हैं जरा यार देखो भाई बोल रहे हैं कि यार पीछे डिग्गी में ना ओवल लग... अच्छा अच्छा पायनियर के ओवल्स लग रहे हैं। ओके और एक JBL का वूफर। हाँ हाँ और 4 चैनल एम साउंड बैरियर का वो इस सीट के नीचे बीच वाली सीट के नीचे। अच्छा बीच वाली सीट के नीचे है तो मतलब विजिबल है वो। देखो भाई अगर दिख जाए तो मतलब इधर भाई ने कही। अच्छा ये देखो मुझे लग रहा है उधर। अच्छा उस वाले सीट के नीचे है। उस वाले सीट के नीचे है ना बीच वाले सीट के नीचे। ओके तो भाई फिर जरा सिस्टम सुना दे फिर लोगों को क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए अलग गाना लेके आया हूँ। ठीक है जो कि शायद तुम लोगों को पसंद आए। NCS है चलाओ भाई। एक जमाने में मेरा फेवरेट गाना था ये NCS का। ध्यान दो इस गाने पे ठीक है काफी सही गाना है ये और इसका ड्रॉप जो है ना वो इससे भी बहुत गजब है। लोगों देख के मजा आता है धोखाधड़ी फील होती है पर कोई नहीं। देखो मैं इसका तुम्हें ड्रॉप सुनाता हूँ ठीक है यहाँ से ध्यान देना ध्यान दो। ओह पूरा हिल रहा है यार। सही बोल रहे हो भाई ये आपने इतना रखा है कि सुनने लायक को मजा आ जाए। मतलब भाई ये आमरस पहले से ही आ रहा था। पहले से आते हैं तो। अच्छा तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है भाई जैसे क्या है तो मेरी हाइट बहुत बड़ी है जिससे बहुत पैक पैक सा लग रहा है तो यहाँ पे आ गया तो पैक सा हो गया एकदम। इसकी हाइट एडजस्ट कर लो ना सीट के भाई। अच्छा उससे हाँ, उसकी वजह से लग रहा होगा क्या पता आपको। ओके वैसे क्योंकि मैंने लगभग आर्मरेस्ट बीच में देखा है। हाँ यहाँ देखा इसका पर्सनल है दोनों इस यहाँ के लिए मुझे लगता है फिर इसमें भी अपना फील ही एक तरीके से हमें आदत नहीं इसलिए नहीं सोच रहे हैं शायद ये भी स्टोरेज नहीं है वरना ठीक है। हाँ तो स्टोरेज नहीं है तो अच्छा हाँ यहाँ भी दिखा दो एक बार आप यहाँ भी देखो जैसे नॉर्मल सा ही है मतलब जैसे आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज होता है वो नहीं है। ये महिंद्रा से लिया आपने? हाँ ये महिंद्रा से लिया था। ओके आप मतलब कंपनी से ही सामान लगवाना हो। एक्सेसरीज थी ना भाई 25,000 रुपए की वो दे रहे थे। हाँ। तो उसमें मैंने लाइट अब उनकी इंक्लूड भी होती है ना लाइट और मैट डलवाए थे। इनके मैट भी बड़े महंगे आए थे कंपनी से 7,000 रुपए के 7,000 रुपए के मैट्स। अच्छा भाई आओ भाई अब जरा चलाते हैं अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक ठीक है मजा आएगा। देखो यार तुम जानते हो जब भी मिहिर गलत कोई मॉडिफाइड बेहतरीन गाड़ी की वीडियो बनाते हैं
बनाते हैं अपनी इज्जत, देख लो कैसे दे रहे अपने आपको। जब भी कोई लेटेस्ट गाड़ी, ऊपर से लेटेस्ट गाड़ी का भाई ना और मॉडिफाई कर, तो एक एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती है। लाइक मार दो वीडियो पहले ही और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सबसे पहले तो वीडियो को फैलाओ, हर किसी को दिखाओ कि देखो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक 2022 को भाई ने मॉडिफाई भी कर दिया, लोग बस आई भी नहीं है और भाई ने मॉडिफाई कर दिया। तो इसी बात पे लाइक और फैला दो वीडियो को, ठीक है। आओ अब जरा चला के देखते हैं, क्योंकि भाई पर्सनली मैं भी ना महिंद्रा का कस्टमर हूँ, मेरे पास भी एक्सयूवी 300 है, ठीक है। तो जरा एक मिनट भाई, तो जरा चला के देखते हैं, और इसमें सब कुछ तो सेम ही है यार। रियर व्यर वाला जो मैटर होता है वो भी जैसे मेरी महिंद्रा में वैसा ही है। ये दिक्कत है भाई, थोड़े टायर रॉयस, हाँ रॉयस की ये दिक्कत है, ज्यादा आप पूरा कट नहीं मारते, ठीक है भाई। इसका ये बड़ा हार्ड है यार, वो अलॉय से हो गया ना। अच्छा अलॉय से हो गया, अलॉय से वेट बढ़ गया उसका। इधर से काट लूं? हाँ यहीं से ले लो भाई। तो आपने हॉर्न भी अलग से लगवाया? नहीं नहीं, ये कंपनी का ही है भाई। पहले तो ना ले लेते भाई। चलो पहले तो ना मुझे ये बताओ यार, आपको भाई इतने अंधेरे में दिखता कैसे है? लाइट जलाओ भाई, अभी आपको इसलिए नहीं पता लग रहा होगा। अब तो ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं मूवी थिएटर वेटर में आ गया मैं भाई। इसकी स्क्रीन यार, ये तो पता नहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा, ये जो इसका विंडशील्ड वाला स्क्रीन है ना, ये थोड़ी कर्व में नहीं हो गई अब? नहीं, थोड़ा अलग सा फील आ रहा है मेरे हिसाब से, तो वही है, क्या पता हो गई हो तो। क्योंकि भाई स्कॉर्पियो मैंने नॉर्मल वाली भी चलाई है, अंदाजा है मुझे इसका थोड़ा सा, मतलब अच्छा वाला है। अच्छा, इसमें बैठ के लग रहा है कि हाँ यार, मतलब पूरा एकदम विजिबल है अपने को, तो ये काफी सही है यार। और बाकी अगर चला के देखे अपन, रुको अब जरा भाई आगे दिखाओ, आगे देखो जैसे हल्का सा खाली स्ट्रेच है, जरा पिकअप चेक करते हैं इसका। देखो जैसे अपन ने अभी थर्ड गियर पंजा मार दिया है, अभी स्पीड पकड़ेगी अपनी यार, यही होना आ रहा है कंपनी से। हाँ भाई यही यार। अच्छा तो भाई जरा तो मुझे ये बताओ, अभी अपन कौन से एरिया में? ये भाई भाटी माइंस। भाटी माइंस, तो यहाँ पे ये लोग कौन है जो ऐसे गाड़ी? ये गुरुजी का सत्संग है ना भाई यहाँ। अच्छा गुरुजी का सत्संग, कौन से गुरुजी है ये? तो भाई मुझे भी आईडिया नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे लेकिन सत्संग वगैरह होते रहते हैं? होते हैं यहाँ पे भाटी माइंस से पहले। हाँ हाँ पहले। अच्छा अब भाई जरा आगे दिखाओ आप, अब देखो यार, अब जरा अपन इसको चेक करते हैं मैटर। पांचवा लगा दिया आपने? पांचवा लगा दिया क्या? हाँ। अब देखो भाई आगे का दिखाओ, आगे का दिखाओ भाई। ओए होए होए भाई, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी से फिरौती रोती भागने जा रहा हूँ क्या मैं? हो कट्टा निकाल ले सुधीर भाई, चटक फुल यार फील है, नो डाउट ये बोल सकते हैं ना कि स्कॉर्पियो क्लासिक में स्कॉर्पियो वाला फील रखा गया है, वो फील नहीं हटाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतना तो अंदाजा आ रहा है कि हाँ यार अपनी जो मेन स्कॉर्पियो उसमें भी कुछ ऐसा ही फील आता है। हाँ, कि यार जब बैठ गया ना तो भाई जहाँ भी जो काम करने जा रहे हो करके ही आएंगे, वो अधूरा नहीं होना चाहिए भाई, वरना स्कॉर्पियो अपने पास मामला छित्तर कर देंगे फुल चटक। और सबसे मेन मुझे एक चीज बहुत अपील लगती है महिंद्रा की, वो है कि बोनट दिखता है भाई सबसे बेस्ट। हाँ। मतलब मुझे वही गाड़ी अच्छी लगती है जिसका चलाते बोनट दिखे, आपको हाँ। पूरा अंदाजा होता है। मुझे तो भाई ऐसा लगता है इससे ऊंची कोई गाड़ी नहीं है। हाँ यार वैसे सही बोल रहे हो, मतलब ऊंची ऊंची तो बहुत फील हो रही है। हाँ। और सोचो मैं तो एक्सयूवी 300 चला के आ रहा हूँ भाई, मैं तो खुद भाई बलिनो से इस पे आया हूं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा ही। अरे हाँ आपको तो बहुत ज्यादा फील हो रहा होगा। ओके तो आओ यहाँ से जरा यू टर्न मारते हैं। तो सबसे पहले तो मुकुल भाई से पूछेंगे, मुकुल भाई पहले तो मुझे ये बताओ, एक महीना तो हो गया आपको गाड़ी लिए? हाँ एक महीने दो तीन दिन हो गए। तो कुछ आपके भी नेगेटिव रिव्यूज रहे होंगे इस गाड़ी की, आपको मतलब कुछ यार अगर ये स्कॉर्पियो में होता तो शायद और मजा आता, वो वाली चीज? कुछ भी नहीं भाई। अरे कुछ तो बोल दो, हमारी वीडियो बन जाएगी। नहीं भाई कुछ भी नहीं, हकीकत में कुछ भी नहीं ऐसा लगा। स्कॉर्पियो में भाई फीचर आते ही नहीं पहले से ही। हाँ। अगर फीचर लेने तो कोई एक्सयूवी 700 ले लो। हाँ फीचर्स के अलावा कुछ आपको ऐसा लगा हो? कुछ भी नहीं भाई, सब कुछ परफेक्ट लगा आपको गाड़ी में? भाई कहीं भी जाओ पब्लिक देखती देखती पब्लिक देखती है। और सेफ्टी कितनी मिली है क्लासिक को? ये मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, पर हाँ एक अपना ट्रस्ट है महिंद्रा से कि भाई महिंद्रा है तो हाँ, सेफ्टी अच्छी होगी यार। और कुछ नहीं है? नहीं। मुकुल भाई बोल रहे देख यार बाकी सब पूछ ले तू मुझसे, पर नेगेटिव पॉइंट मत पूछियो ठीक है? तो कभी कुछ ठोकी होकी भी तो नहीं होगी अभी तो? नहीं आ रही भाई अभी तो। ओ भाई बोल रहे हो, पर ऐसी बातें कर भी मत यार, क्या होता तेरी काली जुबान लग जाए तो गई तुझे याद करूंगा मैं उस वक्त ठीक है? तो चलो इसे वीडियो यहीं पे एंड करते हैं भाई। सबसे मेन मैंने तुम्हें कहा यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना, और मुझसे पूछो चलाने का एक्सपीरियंस, तो भाई जैसे मैंने बताया बहुत मजा आया मुझे। और ये तो देखो एलॉयज की वजह से थोड़ा हार्ड हो गया है, लेकिन वैसे कहता था पहली बार लेके आए थे स्मूथ था, इससे थोड़ा सा लाइट था, थोड़ा सा लाइट था, थोड़ा सा। अच्छा तो इतना भी लाइट नहीं था, ज्यादा पता भी नहीं लग रहा था ऐसा कुछ। ओके तो पहले आपसे पूछते भाई, आपको चलाने का एक्सपीरियंस आप कितनी रेटिंग दोगे, फिर मैं अपनी बताऊंगा। पांच में से कितने में से? दस में से आठ। दस में से आठ रेटिंग दोगे?
इतनी तारीफ करने के बाद भी आठ रेटिंग? हाँ हाँ भाई, वो मैं तो नौ सोच के बैठा था। नहीं भाई आठ तो है, आठ है तो दो क्या काटे जरा बताना। यही कुछ अलॉय की वजह से मैंने वो, अलॉय तो आपकी गलती हो गई ना, यही है फिर तो और कुछ नहीं। तो वैसे आप दस भी दे सकते हो, दस भी दे सकते हैं, वो तो फिर हमारी वही है, हमने डलवाए इतने बड़े अलॉय, उसकी वजह से कटिंग हो रही है। तुम्हारा भाई दस में से पूरी नौ रेटिंग देगा, भाई आठ दे रहे हैं, कोई नहीं भाई की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी समझ से यार हम जो एक नंबर काट रहे हैं वो है यार थोड़ा सा मुझे देखो पैक फील हो रहा है। अब मुझे नहीं पता मैं ऊपर नीचे कितनी करूं, लेकिन एक्सपीरियंस वगैरह कटिंग वगैरह सब बढ़िया है, देखने मजा आ रहा है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया, ठट ठट कर देख लिया हमने, ठीक है। थोड़ा इंटीरियर में अगर कुछ थोड़ा सा और दे देते तो मजा आता, तो यही कुछ थोड़ी मोड़ी चीजों की वजह से हमने एक पॉइंट काटा है, समझ लो। इसी नोट पर वीडियो पे एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, चलो खत्म करते हैं वीडियो को, है ना भाई, साथ में खत्म करते हैं। तो यार मैं मिहि कदू टॉप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, साइनिंग आउट। जाते जाते एक चीज है मैं देख रहा हूँ यार, थोड़ा सा इन्होंने ना इंटीरियर में थोड़ा कॉस्ट कटिंग करी है, क्यों भाई, सही बात है ये? हाँ भाई, आपको लगा ऐसा? नहीं मेरे को ज्यादा खास नहीं लगा, है ना। हाँ ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, तो ये वाली चीज। चलो भाई शुक्रिया, और कुछ नहीं? नहीं भाई बिल्कुल।